नमस्कार राशिवलो, आज मैं आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप न केवल प्रसन्न होंगे किंतु खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, 15 जून से 16 जुलाई के बीच में बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि 15 जून से सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों, मई महीने में मैंने भविष्यवाणी की थी, शनि ग्रह के वक्री होने से कोरोना वायरस का असर कम होता जाएगा और यह भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। दोस्तों, आज एक और बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, क्योंकि जून महीने में मिथुन, कर्क और कुंभ राशि में बड़ी हलचल होने जा रही है। 2 जून को मंगल का गोचर हो चुका है, तो मकर राशि में शनिदेव के वक्री होने के बाद 3 जून से बुध ग्रह 50 दिनों तक वक्री अवस्था में उल्टी चाल चल रहे है, तो वही 20 जून से गुरु ग्रह भी वक्री होने जा रहा है, जहां इन स्थितियों के कारण वायुयान की दुर्घटनाएं होगी, तो आंधी तूफान और विस्फोट की घटनाएं घटित होगी, तो भारी बारिश के कारण जानमाल का नुकसान भी होगा। किंतु कर्क राशि वालों, सबसे बड़ा असर आपकी राशि पर होने जा रहा है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 जून को शुक्र के स्वामित्व वाली राशि वृषभ को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, 15 जून को सुबह 5:50 पर सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होगा और यह गोचर महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इस दिन कुमार योग, दग्ध योग और रवि योग भी बन रहा है और उसी दिन से मिथुन संक्रांति का आरंभ भी हो रहा है। मीन राशि वालों, सूर्य मंडल के राजा सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में धन भाव एवं संपत्ति भाव के लोड होकर द्वादश भाव में स्थित है और उनकी पूर्ण दृष्टि दैनिक व्यवसाय के भाव में प्रेम सुख के भवन पर पड़ रही है, जिसके कारण 15 जून से 16 जुलाई के बीच क्या बदलाव होने जा रहे हैं, क्या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, सूर्य का गोचर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि वालों, सूर्य का द्वादश भवन में गोचर आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत करेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे लोगों को कोई महत्वपूर्ण दायित्व भी मिलेगा और जिसे पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे और उसका ही नतीजा होगा कि आपको धन के रूप में मिलेगा। कर्क राशि वालों, सबसे ज्यादा लकी वह रहने वाले हैं जो कार्य क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले समय में मंदी की मार खा चुके हैं, कार्य की रफ्तार कम हो चुकी है, धन प्राप्ति के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, कार्य व्यवसाय ठप पड़े हुए हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच फिर से आपकी तकदीर बदल रही है। जी हां, इस समय कोरोना वायरस का असर कम होने से आपके कार्य प्रभावित होंगे, चीज वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और जिसके कारण आपका मंद पड़ा व्यवसाय फिर से तेज रफ्तार से दौड़ने लगेगा। सूर्य की कृपा दृष्टि के ही कारण इस समय आपका मान सम्मान व प्रभाव बढ़ेगा। किसी ने प्रोजेक्ट में निवेश करने का अवसर मिलेगा तो वही जो जातक सरकारी नौकरी में है, तो इस समय आपको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जहां एक और, इस समय सीनियर आपके कार्य से प्रसन्न होंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में है वह अच्छे पैकेज पर किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं, यानी कि इस समय आपको बड़ी बड़ी कंपनी से ऐसे ऑफर मिलेंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। द्वादश भवन में सूर्य का प्रवेश कुछ जातकों को कर्ज से मुक्ति ले लाएगा, धन के नए स्रोत दिलवाएगा, तो रुका हुआ पैसा भी पुनः वापस दिलाएगा। दोस्तों, मेहनत एवं प्रयत्न से सफलता प्राप्त होती है, यह सही नहीं है। कुंडली में शुभ ग्रहों का साथ होता है तो भाग्य के दम पर बड़े बड़े कार्य भी आसानी से हो जाते हैं, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। आप मान के चलिए, धर्म कर्म के मामलों में जहां एक ओर आप रुचि रखेंगे तो दूसरी ओर आपके अधूरे कार्य पूर्ण होने के योग बनेंगे, वाहन, फ्लैट, जमीन आदि खरीदने के योग बनेंगे, तो वही दूसरी ओर जो किस्मत को कोसते रहते थे, जी हाँ, जो योग्यता के बावजूद भी कार्य की तलाश के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें इस समय में न केवल कार्य करने का मौका मिलेगा किंतु आपको नौकरी प्राप्त होगी और वह नौकरी लंबी अवधि तक चलने वाली होगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा या जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मानसिक शांति के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इस समय सूर्य द्वादश भाव में बैठकर शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्रदान करेगा, तो वही दूर प्रदेश जाकर पैसा कमाने में भी मदद करेगा। यदि पिछले समय में आपने नौकरी के लिए आवेदन कर दिया है तो वहां से भी शुभ समाचार मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में जहां एक ओर शुभ परिणाम प्राप्त होंगे तो दूसरी ओर आप किसी भी तरह का नया अनुबंध हासिल करना चाहते हैं तो वह मिलेगा, क्योंकि सूर्य ग्रह न केवल सत्ता, पद, प्रतिष्ठा एवं पराक्रम का कारक माना जाता है किंतु वह नौकरी भी प्रदान करता है, धन भी प्रदान करता है। 16 जुलाई से पहले सूर्य आप में साहस एवं पराक्रम में वृद्धि कराएगा, जिसके कारण जोखिम भरे क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शेयर बाजार में पुराने निवेश से लाभ अर्जित करेंगे तो वही सामाजिक स्तर पर भी आपके व्यवहार से लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। खासकर जो जातक विदेश जाना चाहते हैं या फिर विदेशी कंपनी में कार्य करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा पूर्ण होगी।
कर्क राशि वालों द्वादश भवन में सूर्य पराक्रमी धनी बलवान शत्रु नाशक कुशाग्र बुद्धि वाला लड़ाई झगड़े में विजय प्राप्त कराने वाला साथ में रोमांच से भरपूर और प्रेम प्रदान करने वाला बनता है। इसलिए इस अवधि में पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति चल रही थी तो वह दूर होगी। कोर्ट कचहरी के केस में विजय मिलेगी तो इस दौरान आप निजी जीवन को लेकर भी काफी उत्साहित रहेंगे। खासकर इस समय आपके जीवन में प्रेम की बहार आएगी। आप अपने प्रेम को शादी के बंधन तक ले जाने में सफल रह सकते हैं। विशेषकर जो प्रेम के लिए तरस रहे हैं यानी कि सच्चे प्रेम के लिए भटक रहे हैं, उन्हें इस अवधि में किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिलेगा जो भविष्य में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और हाँ, जो नए व्यवसाय का प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें भी किसी साहूकार या फिर दोस्त ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। प्रशासनिक मामलों में भी लाभ मिलेगा जिसके कारण आप अपना खुद का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम यकीन से कह सकते हैं कि यह महीना आर्थिक तंगी का शिकार नहीं होने देगा। जय गुरुदत्त।